हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल देवा की रसोई। शाम के टाइम में अगर चाय के साथ कुछ चटपटा और झटपट बनने वाला स्नैक्स मिल जाए तो बात ही कुछ और होता है। इसीलिए आज मैं एक यूनिक स्नैक रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी सूखी मटर से। ये स्नैक पूरा डिफरेंट है और 5 से 7 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। ना ऑयल खाने का टेंशन, ना मटर बॉयल करने का। सुनकर लग रहा है ना मज़ेदार रेसिपी? तो फुल रेसिपी जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे। अब आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं एक कटोरी सूखी मटर ली हूँ। इसको मैंने 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। सपोज आपको ये रेसिपी इवनिंग में बनानी है तो आप मॉर्निंग में इसे भिगा दें। नेक्स्ट हम इसमें डालने के लिए चटनी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैं 4 पीस हरी मिर्च और 8 कली लहसुन की ली हूँ। तीखा आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इन सबको पीस लेंगे। हमारा चटनी रेडी है। इसमें 2-3 बूंद सरसों तेल और नमक थोड़ा ज़्यादा डालें। चटनी प्लस जितना मटर है उसके अनुसार ही नमक डालें। फिर इसे मिक्स कर लें। एक बात याद रखें, ये रेसिपी जब भी बनाएं तो पहला काम करें चटनी बनाने का। अब एक पैन को गरम कर इसमें मटर डालेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना बॉयल किए इसको डायरेक्ट रोस्ट करेंगे और इसमें कोई तेल नहीं पड़ेगा। फ्लेम यहाँ हाई होगा और हमें इसे 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते रहना होगा। ध्यान दें आंच को मीडियम या लो ना करें, वरना ये हार्ड हो जाएगा। तो भूनते भूनते ये कुछ ऐसा दिखेगा और जब ये पक जाएगा तो खुद ही उड़ने लगेगा। देखिए कैमरा पर है, तब तुरंत केयरफुली फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 3 से 4 सेकेंड के लिए इसे कवर कर दें। फिर एक बाउल में इसे निकाल लेंगे और हरी मिर्च और लहसुन का जो चटनी रेडी किए थे उसे मटर में डालकर मिक्स कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा नींबू का जूस भी डाल देंगे। ये गरम गरम ही खाए तभी इसका मजा है, ठंडा होने पे थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो लग रहा है ना ये चटपटा टेस्टी? एक बार जरूर इसे आप ट्राई करें। वेट, स्ट्रीट फूड है ना ये? हम भी इसे उसी तरह से सर्व करेंगे जैसे स्ट्रीट वाले भैया देते हैं। इसके लिए एक क्लीन पेपर लेंगे और इसको इस तरह से कोन शेप देंगे और फिर हम इसमें चटपटा मटर डालेंगे। अब लग रहा है ना ये चटपटा ठेले वाला मटर? ये रेसिपी बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप भी बनाएं, खुद भी खाएं और फैमिली को भी खिलाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल देवा की रसोई को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि ऐसे ही सिंपल, इजी, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप भी इस लॉकडाउन में बनाते रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।